हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है व्हाई इज़ ग्रेविटी वीकेस्ट फोर्स। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वो वीकेस्ट होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे हम लोग रीज़न देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो देखें। तो वो होता है एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है और एम वन एम टू मास होते हैं दो बॉडी के, और आर जो है उनके बीच का सेपरेशन होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो वो होती है जी इक्वल्स टू 6.6 × 10⁻¹ⁱ, जो कि होती है वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है। और अगर देखें हम लोग तो इस पे मैं इस फॉर्मूले पे क्या इम्पैक्ट होगा वो समझिए। अगर तो देखिए यहाँ पे हमने जी के प्लस पे उसकी जो वैल्यू है वो प्लेस कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी इस तरीके से। और अब जो ये नेगेटिव पावर है 10, इसको पॉजिटिव पावर में टर्न करें तो ये कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने इनको इसको एडजस्ट करके लिखा हुआ है 10⁻¹, और इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो वो ये टर्म बनेगा, मतलब 11 जीरो आ जाएगी यहाँ पे। और इसको अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखें तो ये टोटल कितना बोला जाएगा, 100 बिलियन। और हिंदी में अगर हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में बोलें तो ये होगा 1 खरब। मतलब यहाँ पे जो भी इनका आंसर आएगा उसको हम लोगों को डिवाइड करना है 100 बिलियन या फिर 1 खरब से। तो जब हम लोग इतनी बड़ी इस वैल्यू को इतनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे जो आंसर मिलना है वेरी स्मॉल मिलना है। मतलब ये जो एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमको बहुत बहुत कम मिलेगा, इसीलिए ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।